तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जब भी हम अपने जो है प्ले स्टोर को अपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरीके का हमारा जो है इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके भी प्ले स्टोर में अगर आप कोई एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना चाहते हैं और दोस्तों जैसे ही इंस्टॉल पर क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके का जब ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट, फेस डाटा एंड स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस पर आप क्लिक कर लोगे, वहाँ से भी सेटिंग, लेकिन ऐप के ऑप्शन में जब आओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैनेज ऐप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर जब टैप करेंगे तो दोस्तों आपको सारा एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम अपने प्ले स्टोर को जहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन, इस पर हम क्लियर करके यहाँ पे क्लियर कैच भी कर लेंगे और क्लियर डाटा भी कर लेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे क्लियर डाटा करेंगे और क्लियर कैच भी कर सकते हैं, कोई इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अब परमिशन का ऑप्शन होता है यहाँ पे, वो उसमें आके हम परमिशन में जो भी परमिशन होता है डिनाई उसको अलाउ कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट है उसको अलाउ कर ले सकते हो, लोकेशन भी है, जो भी है यहाँ पे आपका नियर बाय डिवाइस है, ये सबको अलाउ कर लेना है। ठीक है, अलाउ कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसको भी अलाउ कर लेते हैं। इसको सब कुछ को अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा ओके कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है आपको अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे ही आते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी अपना एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करते हो, इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही एग्री पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पासवर्ड रहेगा, जो भी पासवर्ड रहेगा हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम पासवर्ड को एंटर करने के बाद दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आसानी से जो भी है हमारा तुरंत के तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक चीज़ है जो भी प्रॉब्लम आती है इसीलिए अपडेट कर दिया गया ताकि जो भी आपका मोबाइल लेता है वो आपका जो है कोई डाउनलोड कर लेता है एप्लीकेशन, लेकिन अब क्या है, जब तक आपका पासवर्ड नहीं एंटर होगा वो आपका जो है एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे बताए स्टेप को फॉलो करके आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।